कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्ते, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी। मैं तकिया मैया हूँ, जिला जौनपुर से जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ सर। हाँ जमील जी, हुआ ये कि आज जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमारे उस नंबर पे कई बार हमिंग आ रही है और कुछ लोगों से बात हो रही है, कुछ से नहीं हो पा रही है और कई लोगों को उधर से लग रहा है कि उनको रिंग सुनाई दे रही है लेकिन हम तक तो आवाज ही नहीं आ रही कोई। बिल्कुल सर, क्योंकि लाइन बहुत गड़बड़ ही बता रहा है। हाँ हाँ ये कारण है, लेकिन अपने मन में श्रोता बहुत से होते हैं जो अपने ख्यालों में सोचते हैं कि फोन उठ नहीं रहा है या फिर कोई और बात हो रही है, ऐसा होता नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं सर, हम लोग तो जानते रहते हैं ना। जी जी, मजबूरियात हम लोग समझते हैं सर। और हम सब भी ये चाहते हैं जमील जी कि जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग हो और फिर अगला काम किया जाए, क्योंकि इसे एडिटिंग करने में भी 5-6 घंटे का काम इसके बाद भी लगता है। बिल्कुल, मेहनत करनी पड़ती है, अंदर काम होते हैं और जाके सब देखे हैं। किसी भी चीज में आदमी सोचता है शिकायत करना बहुत आसान है। 20-20 साल में पहले फिल्में बना करती थी और उसके बाद लोग कहते थे कि फिल्म अच्छी नहीं बनी है। हाँ, आप तो गीत संगीत से जुड़े हैं, कितना रियाज होता है एक गाने को साधने के लिए, कितने साज वाले गाने वाले। बिल्कुल, हफ्तों एक गाने को साधना पड़ता है साज। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम क्योंकि केसियो बजाते थे, बेंजू बजाते थे, तो हम लोग एकदम भोर में ही रियाज करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रियाज करना पड़ता था सर। और हर काम में तकनीकी विभाग, जैसे अगर गीत संगीत का कहें तो बजाने वाले, गाने वाले, अलग अलग साज होते हैं, सबको एक मिलाना पड़ता है, तब एक प्रयास से कोई चीज बन पाती है। हाँ हाँ हाँ, ये कहना आसान है कि गाने नहीं आ रहा है, बजाने नहीं आ रहा है या प्रोग्राम में फोन नहीं उठ रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, तरबियत लगती है। तो कैसे हैं आज आप, कुछ अंदाज में अपने आइए तो कुछ बात की जाए। घर में हैं कि बाहर हैं आप? नहीं, हम तो हैं आज घर में ही है। हाँ, क्योंकि कई बार बाहर होते हैं तो भाई थोड़ा सा हर किसी को संकोच होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लाइन गड़बड़ को जैसे हम सर सोचा खाली बातचीत ही हो जाए, क्योंकि लाइन तो गड़बड़ ही चल रहा है। हाँ नहीं, ये वाले पे आवाज ठीक आ रही है, बताएं। जी जी जी, थोड़ा सी एक बात ये हमको करना था सर कि जो अभी विश्व कप होने वाला है। हाँ, इसमें भारत के भारत वाले जो मैच है वो आएंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल आएगा। जी, तो ये जो रिकॉर्डिंग कटेगी 2:30 बजे वाला, तो इसका कोई व्यवस्था आप लोग थोड़ा सा करिए सर, हम लोगों का छूट जाएगा, क्योंकि 2 बजे से मैच चालू होगा तो फिर तो वो 2:30 बजे वाला फोन कटेगा सर। तो प्रोग्राम जैसे पिछले हफ्ते का एक बचा है तो वो है और वो आगे बचता। अच्छा, है ये बात। अच्छा, होती है। अच्छा, श्रोताओं को सूचना भी दे दीजिएगा ताकि वो अपना कॉल सुन ले। हाँ हाँ जरूर जरूर, और वैसे हर प्रोग्राम यूट्यूब पे तो रहते ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो गाना सुनवा दीजिए सर। जी कौन सा? रफी साहब की आवाज में गाना है, थोड़ा सा मैं गुनगुना ही दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हाँ, एक दिन उसी उड़न खटोला पे सभी को जाना है। आखिरी मंजिल तो हर किसी की वही है। वही है बिल्कुल, वही है। अब ये बात जितनी जल्दी या देरी से समझ में आए, हर कोई अगर समझ जाए तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए, सोचिए। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये सारा जो छल कपट मार धाड़ खींचा तानी है ये खत्म हो जाएगा, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, फिर हर कोई पीर फकीर हो जाएगा, ये भी दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, तो ये समझ लेकिन सब में आ जाए तो दुनिया कितनी सच में खूबसूरत हो जाए। शकील साहब के बोल हैं नौशाद की तर्ज, और आपने क्या खूब गाया। ये जरूर है कि वर्ल्ड कप के मैच होंगे तो प्रोग्राम हमारे आगे पीछे श्रोता सुन पाएंगे। गीत ये हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उड़न खटोला फिल्म से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, तो आप खत आजकल नहीं भेज रहे हैं, पहले वाले ही खत हैं, उन्हीं के सहारे सब सिलसिला चल रहा है। जी जी। हाँ हाँ, तो चलिए अच्छे से हैं, कैसा काम चल रहा है? बारिश तो फिर से वापस हो रही है हर जगह इस इलाके में। बारिश हो रही है सर, 3-4 दिन से बहुत बारिश हो रही है। ये आखिरी है, लेकिन इससे ये फायदा भी हुआ, हालांकि अब फसलों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मौसम थोड़ा सा जो बहुत उमस और गर्मी थी वो कम हो गई है। ठंडा मौसम हो गया। हाँ सर, हाँ, कैसे हैं आप लोग? हम लोग सब अच्छे से हैं, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाने की कोशिश हम सब की है। आज किस गाने की फरमाइश आपकी है? प्रोग्राम भी हम आपके नीनी सुनते हैं। जी जी बिल्कुल, रेगुलर श्रोता, रेगुलर फोन भी करते हैं सर आपके कार्यक्रम। जी 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 जी, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। एक निवेदन है सर आप लोगों से। जी हालो फोन फरमाइश का जो टाइम है शनिवार के दिन 12:30 बजे तक। जी जी,
जिसका समय सर 12 से 1 कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा सर, 12 बजे से एक साथ हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन प्रतिदिन आप देखिए आगे कुछ बदलाव होंगे तो जरूर हम लोग इस पे गौर करते हैं। काम धंधे हो जाए सर, स्वाद नहीं सुन पाते हैं सब सर। जी जी, मतलब आपका कहना एक साथ एक जगह रहता तो 1 घंटे का पूरा वो सही रहता, तो आगे स्थिति बनेगी तो हो पाएगा। हो सकता है कि ये जो आजकल स्वराज आ रहा है ये जब नहीं होगा तब भी वो स्थिति हो जाएगी कि फिर से हम लोग 1 घंटे का कर पाएंगे वहाँ पे। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी सर, वक्त हमारा है फिल्म है जी, और वो गाने बोले कच्ची कली कतनार की थोड़ी नहीं जाएगी। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजें हैं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। शुक्रिया, नमस्कार। छह नाम बताइए अपना। अरुण से नमस्कार, एक कान में हमारे जमील भाई है, एक कान में आप है, इसीलिए जमील भाई ने कहा कि 50 का लगाइए सब भाई। हाँ, उस पे कई श्रोताओं को हम लोग ऑन कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है। अब ये पता नहीं क्यों, शुरुआत में तो कुछ कॉल की रिकॉर्डिंग हुई और कुछ पे फिर आवाज हमारी भी नहीं आ रही, जा रही है श्रोताओं तक लगता है, और श्रोताओं की भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 52 पे ये हो रहा है कि हम लोग जब इस सर इधर बटन दबा रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही कोई आप लोगों की। जी अरुण सर, बहुत दिन के बाद तो हमारी बातचीत हो रही है। जी दुख सुख के साथ है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, अरे रानी माँ से मुझको भी थोड़ी ममता मिल जाए, जय माता दी। तो ये बताएं, लग रहा है कि जोड़ी बन गई है आप लोगों की और जमील भाई की। जी जी, हमारे जमील भाई बात सुन रहे हैं, दूसरे मोबाइल पे हैं और जियो से मैंने कॉल लगाया है 50 पर। तो अब तो आपकी आवाज ठीक ठाक आ रही, बीच में आपका मोबाइल बदला था या फिर कुछ नया फोन मिला था आपको भी, तो आपकी भी आवाज थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी लग रहा है। जी अरुण सर, देखिए एक मोबाइल मेरा बिगड़ा हुआ है, एयरफोन लगा के बात कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं आपसे कि थोड़ा माइक्रोफोन लगा। हाँ हाँ, ये तो है कि बहुत शोर या बहुत पास से करने से आवाज फट जाती है। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको जुड़े हुए हैं, और कामकाज भी आपका टेलरिंग वाला ठीक ठाक चल रहा है? हाँ हाँ अरुण सर, टेलरिंग वाला काम भी मेरा ठीक ठाक चल रहा है, और प्रोग्राम हम लोग सुनते हैं, प्रोग्राम कोई भी नहीं छोड़ते हैं। बाकी मेरी एक शिकायत आपसे है। जी जी, कि जो आप बार बार मैसेज में नाम व्हाट्सएप में सभी को देते हैं सलाह, ये तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बाकी हम खुद अच्छे नहीं है। हाँ वो तो है कि लोग मानते ही नहीं, और बहुत पुराने पुराने श्रोता हैं जो ये चीज करते हैं कि कहने के बाद भी कई कई शहर से कई कई नाम बार बार। अब जैसे आपका नाम अशोक कुमार प्रजापति है तो आप 3 नाम कर देंगे, AK प्रजापति, अशोक प्रजापति, प्रजापति AK, तो हम लोग भी जान रहे हैं कि एक ही आदमी बात बना रहा है, लेकिन आपके अनुभव तजुर्बे और जगह के लिए चीज उसको सम्मान वाली बात नहीं होती है, लेकिन लोग करते हैं ये हम भी महसूस करते हैं। नहीं सर, ऐसा करना चाहिए क्योंकि अपने दिल का अंदर का मैल भी कहाँ खत्म कर देते हैं, और बातों बातों में इतना हम लोग समझदारी तो सबको रहता है कि हम क्या है क्या नहीं है। जी तो जी, व्हाट्सएप में जो भेजते हैं गाने पूरे सुने और नाम एक ही दाएं भेजा जाए। हाँ, एक बार ही 4-6 नाम भेजें तो हम लोग भी वही, लेकिन क्या करते हैं लोग कि कई शहर का नाम भेज देते हैं और नाम बदल बदल के अपना ही नाम 2-3 बार भेज देते हैं, वो हम लोग भी जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, और नहीं तो वही कारण होता है कि कई लोगों के नाम रह जाते हैं और कई कई लोगों के नाम कई कई बार आ जाते हैं। श्रोताओं से मेरी गुजारिश है, हम लोग को 5 ही गाना मिले, फुल गाना मिले, एक ही बार इसमें व्हाट्सएप में भेजा जाए तो हमको बहुत अच्छा लगे। हाँ हाँ, जैसे हम लोग को भी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि गाने के बीच में जरा भी कोई डिस्टर्बेंस व्यवधान न आए, गाना पूरा का पूरा सुनाई दे, और हम आजकल ये कर भी रहे हैं, लेकिन आखिर में जाकर के इतने नाम इकट्ठे हो जाते हैं, और कई लोग 12:28 पे भी मैसेज भेजते हैं, 1 मिनट रह जाता तो भी भेजते हैं। अरुण सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक ही बार भेजूंगा, बाकी मेरा पूरा फैमिली का मेरा साथ ही रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं काट के भी नहीं भेजना चाहता हूँ। हाँ अरुण सर का नाम, हमारे असगर अजीज जी को मैं रेडियो के माध्यम से सलाम कर रहा हूँ, उनकी तंदुरुस्ती कायम रहे और दोस्ती हमारी बरकरार तो रहे करती है, और खराब चल रहा है। जी जी, हम सभी ये दुआ करते हैं कि हमारे हर श्रोता असगर जी भी स्वस्थ खुशहाल और सक्रिय रहें और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, और बाकी आपसी संबंधों में उतार चढ़ाव तो वो हर किसी में जीवन में आता जाता रहता है, उसको बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए। जी, और अरुण सर
सर कामरे नवरात्र करीब आ गया है तो हम सोच रहे हैं कि आज अरुण सर को अपना खुद कामरे एक नवरात्र गाना देवी माता पर होना चाहिए जी जी। और वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद बजाइए और गाना आप खुद बजाइए देवी माता पर। कोई सा भी गाना बजाएंगे मुझे पसंद रहेगा, क्योंकि आज मैं अरुण भाई साहब को अपनी पसंद का गीत मैं सुनना चाहता हूँ। जी जी, आइए आपको सुनवा देते हैं अवतार का गीत चलो बुलावा आया है। बहुत शुक्रिया अशोक जी, नमस्कार। हम लोग फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल इसी प्रोग्राम में। अरुण सर प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे जनाब अरुण पांडे भाईजान को और तमाम प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों को मेरा दिल से मोहब्बत भरा आदाब भाईजान। जी जी, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी सिलसिले में आप अपना तारुफ भी पेश कर दें। जी भाईजान, मोहल्ला थाना टीम अंगूर वाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से आपका चाहने वाला मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ। और हम आपका बहुत स्वागत इस्तकबाल करते हैं। आपकी आमद एक अलग ही अंदाज प्रोग्राम में ले आती है। तो जितने जो परेशानियां होती हैं, जैसे लाइन में खराबी है, एक नंबर पे बात नहीं हो पा रही है, जी तो ये सारी दुश्वारियां आपकी जो मीठी मीठी आवाज है, जो आपकी अदा है, तो उससे दूर हो जाती है। और आपका प्यार, आपकी इनायत हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत, आपके चाहने वाले बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, और आप भी कितनी मोहब्बत हम श्रोताओं से करते हैं ये तो आपकी बातों से ही हमें जाहिर हो जाता है जनाब अरुण पांडे साहब। जी जी, आज ही एक रिकॉर्डिंग में एक वो कह रहे थे कि श्रोता पहले हैं, तो हमने कहा कि हर कोई जो हम लोग पहले ब्रॉडकास्टर आते थे रेडियो में, हम सभी सुनते सुनते हम लोग खुद एक श्रोता रहे हैं। तो एक श्रोता होने के नाते खतों का कितना इंतजार रहता है, कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और शिरकत को लेकर के कितना उत्साह होता है, उसमें हम लोग इस बात से गुजरे हुए हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल सर, देखिए ये रेडियो जो है हमारा एक इतना अच्छा साथी है कि चाहे कुछ भी, इंटरनेट है, सब कुछ है, आज के जो लाइफ स्टाइल लोगों की चल रही है, लेकिन रेडियो का एक अलग ही माध्यम अपना है। क्योंकि जो आज भी पत्र भेजने का जो सिलसिला है वो बरकरार है, चाहे कुछ भी बदला, लेकिन एक पत्र भेजने का सिलसिला श्रोताओं का कभी नहीं बदलेगा। बिल्कुल, और जैसे ये फोन इन, देखिए इंटरनेट पे हर कोई तुरंत जो भी चाहे पसंद का गाना बिल्कुल चुटकियों में सुन सकता है, लेकिन फिर भी एक रेडियो का जो है चार्म है कि हम भी बोले, हमारे भी प्रोग्राम है, हमारे इलाके, हमारे ज्ञान विज्ञान की बातें वहां से नसर हों और पूरी दुनिया वहां से सुने, तो इसका एक अलग ही लुत्फ है। अब उसको कौन कितना किस डिग्री तक महसूस कर पाता है उस व्यक्ति पर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए एक आरजे बनना किसी के लिए बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है उसके लिए, और बहुत मेहनत करना पड़ती है। हर इंसान के दिल में यही ख्वाहिश होती है कि मैं भी एक आरजे बनूं, लेकिन जो है वो सब किस्मत के ऊपर और मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। जी, और एक बार जब आप इस सिस्टम में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद भी ढेर सारी चुनौतियां, आप एक व्यवस्था में होते हैं, आप नौकरी कर रहे होते हैं, तो ये सारी मधुरता मिठास और सबके घर परिवार में भी तमाम चीजें हर किसी के साथ लगी होती हैं, उसके बावजूद हम लोग कोशिश करते हैं कि एक तो ये अदाकारी है, कहा गया दुनिया रंगमंच है और हम सब उसमें अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, तो अपना पार्ट जितने अच्छे से अदा हो, ईमानदारी से अदा हो, उसी में आदमी की काबिलियत है। बिल्कुल अरुण सर, देखिए आपके चाहने वाले बहुत हैं, और देखिए एक आरजे के लिए अपना ड्यूटी को करना और उसको अपनी आवाज को निखार कर श्रोताओं तक पहुंचाना, ये भी एक कला है, आर्ट है, ये जो है हर किसी के नहीं है, क्योंकि अगर ये भी सब किस्मत और बात पहले कही कि मेहनत के ऊपर। आदिल जी, बीच में ही आपका कॉल कट गया, लेकिन हम बिल्कुल बात के सिलसिले को आगे इस तरह बढ़ाते हैं कि हम सब भी समझते हैं हर किसी को, जैसे आप भी तमाम चीजों से गुजरे हुए हैं, फिर भी कार्यक्रमों में जो आपकी मधुरता है, मिठास है, जो अदा है, जो अंदाज है, जो तहजीब आपकी झलकती है, उसके हम सभी उसके प्रशंसक हैं, तारीफ करते हैं। और आज तो आपका कॉल कट गया, फिलहाल इसी सिलसिले में देखते हैं दूसरे कौन से श्रोता से हमारी बात हो पाती है। जी बताएं, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। उदिता बात कर रही हूँ देवरिया। ये है कि आज दोनों ही लाइनों में खराबी है, कई बार उधर से आवाज आ रही, कई बार इधर से आवाज जा रही और कट जा रही, जैसे अभी बीच में आदिल से बात हो रही थी वो भी बात कट गई, कई लोगों से बात आधे पे कट जा रही है, और श्रोता अपनी ओर से ये समझते हैं कि हमें कॉल दिखाई दे रहा है या फिर हम नहीं बात करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ तो हर किसी को होती है ना, जब एक घंटे से हम लोग भी बैठे रहते हैं कि फोन आए और बात हो, हमको भी इसके आगे भी बहुत सारे काम करने होते हैं, ये प्रोग्राम इतनी जैसे आसानी से नहीं बनता है, इसको फिर घंटों एडिटिंग का काम करना होता है, वो तो समझ सकते हैं। तो लेकिन जो उधर बैठा होता है उसे लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, यानी कि हम लोग तो
मतलब हम लोग फिर वक्त निकालते हैं, प्रयास करते हैं, रिंग जाती तो थोड़ी खुशी होती है। अच्छा एक चीज और है कि वो रिंग बज रही है, जैसे अभी आपसे बात हो रही है तो किसी को रिंग सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, तो उसके लिए कसूरवार हम सब कैसे हुए? या फिर जैसे 52 पे आज बात नहीं हो पा रही है फोन उठाने के बावजूद, जबकि 52 पे 2-3 लोगों से शुरुआत में बात हुई है। और ये देखिए जो टू टू की आवाज है उदिता, ये बता रही है कि आपकी भी जो बातचीत है वो बीच में कट गई है। तो ये टेलीफोन लाइनों के हालात होते हैं और ये हम सबको समझना चाहिए, इसी रूप में लेना चाहिए और एक दूसरे पे कभी भी बिना पूरी बात को जाने दोषारोपण किसी को नहीं करना चाहिए। हेलो जी जी बिल्कुल, आज लाइन में बहुत खराबी है, दिक्कत आ रही है, नाम बताएं अपना, कार्यक्रम है, हेलो फोन इन फरमाइश। जी मैं बुनकर श्रोता साथी बजटिया वाराणसी से, मैं आपका नियमित श्रोता अनवर अली अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ सर जी। और हम आपका बहुत ही स्वागत कर रहे हैं। आज थोड़ा श्रोताओं को ये परेशानी हो रही है कि वो किस पे कर रहे हैं, कभी किसी पे नंबर कट जा रहा है अचानक से और कभी बात नहीं हो पा रही, थोड़ा सा हमें लग रहा है मौसम के चलते ये लाइन में खराबी है। जी मैंने दोनों नंबर पर ट्राई किया, रिंग भी जा रहा है, हमको क्या बात है आज? हाँ जबकि मैं समय से बिल्कुल बैठा हुआ हूँ और वक्त भी इतना देखिए देर हो गया, लेकिन जितने लोगों से बात होनी चाहिए थी वो बात हो नहीं पा रही है और बीच में कई लोगों से बात कट भी जा रही है। आप जल्दी से बता दें फरमाइश कौन सी है आपकी? फरमाइश आप सुनवा दीजिएगा, फिल्म का नाम है विक्टोरिया नंबर 203। गाने को बोले दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ के हारे। वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी का संगीत और किशोर कुमार की आवाज है इसमें। आइए गीत सुन लेते हैं। आज बहुत दिक्कत हुई, कई श्रोताओं से बात नहीं हो पाई, कई के फोन कट गए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। गीत सुनते हैं।